दिशा सालियान की पार्टी में 8 जून को मौजूद शख्स ने अब अपना एक ऑडियो और वीडियो बनाकर एक न्यूज चैनल को भेजा है। कौन सा ये न्यूज चैनल है और उसमें उन्होंने क्या क्या दावे किए हैं, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। अगर इस शख्स ने जो दावे किए हैं और ये वाकई में 8 जून को उस पार्टी में मौजूद था, जिस बात का दावा ये शख्स कर रहा है, तो उसने उस रात को भयानक रात बताया है, एक दर्द भरी रात बताया है, एक ऐसी रात जिसको सोचकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगता है। ये दावा सिर्फ और सिर्फ उसका है कि वो उस पार्टी में मौजूद था। उसने एक न्यूज़ चैनल को 8 तारीख का पूरा ब्यौरा का ऑडियो और वीडियो बनाकर भेजा है। न्यूज़ चैनल का दावा है कि वो ये सारा का सारा ऑडियो वीडियो जो है सीबीआई को भी दे देगा, लेकिन उसने क्या दावे किए हैं अगर वो उस पार्टी में मौजूद था जैसा उसका दावा है। उसने कहा, हम वहां गए थे, पार्टी चल रही थी, मर्दानगी है ना, तुम लोगों को अभी हम दिखाएंगे। उन्होंने दिशा के साथ कुछ गलत किया, उसे बिल्डिंग से फेंका है। मीडिया कह रही है कि 12:30 के बाद हुआ, नहीं, ये सब 11 बजे से पहले ही हो गया था। इतना ही नहीं, उसने जो दावे किए हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उस दिन रात, वो रात इतनी गंदी थी, मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसे भूल भी जाऊँ तो मैं उस रात को सोचकर आंख से पानी निकलने लगता है। गलती से मेरी भी 2 बहनें हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो दावे हैं उस शख्स ने किए हैं जो उस पार्टी में मौजूद था। उसने अपना ऑडियो वीडियो बनाकर न्यूज़ नेशन को भेजा है। न्यूज़ नेशन ने इस ऑडियो वीडियो को चलाया है, लेकिन उनका भी ये दावा है कि ये दावे सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के हैं और हम भी, यानी कि न्यूज़ नेशन ने भी वो पूरी की पूरी क्लिप जो है वो सीबीआई को भेज दी है। सुनिए उसने क्या कहा था। उस दिन रात, वो रात इतनी गंदी थी, मैं उसे भूल नहीं सकता। अगर भूल भी जाऊँ तो मेरी आँख से पानी निकलने लगता है। गलती से वो मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज़ है होती तो मैं जी नहीं सकता था। तो ये जो है उनका दावा है, ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि वो रात बहुत भयानक थी, वो रात बहुत गंदी थी, मैं उस रात को भुला नहीं सकता, मैं जितना भी चाहूँ तो भी भुला नहीं पा रहा हूँ। ये सारी बातें जो हैं इस शख्स ने अपने उस ऑडियो वीडियो में दी है जो उसने इस न्यूज़ चैनल को भेजा है। दिशा के साथ बहुत भयानक हुआ था, मैं उस रात को भूल नहीं सकता, वो रात बहुत गंदी थी। ये सारी बातें उन्होंने 8 जून के लिए बोली है। हालांकि ये पूरा ऑडियो वीडियो जो है सीबीआई को दे दिया गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 8 को क्या क्या हुआ, ये पूरी चीज़ें उन्होंने जो है पल पल के साथ बताई है कि ये हुआ ये हुआ, और क्या इन दावों में सच्चाई है या नहीं है इसकी सीबीआई जांच करेगी। लेकिन आज एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी, जो दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालिसिस किया, उसने ये बताया कि दिशा के गिरने से 1/2 घंटे पहले जो है उनके साथ 3 चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। उनको धक्का दिया गया है, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, या किसी ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ा है। ये 3 पॉसिबिलिटी को उन्होंने भी रूल आउट नहीं किया है। तो एक एक करके बहुत सारे नए खुलासे जो हैं इस केस में हो रहे हैं।